मना रहे हैं, काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो यकीनन उनके स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा है और पेरेंट्स को लेकर भी इस तरह की चिंता थी। लेकिन दूसरे छात्र ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मेहनत थी कहीं उस पर पानी न फिर जाए, क्योंकि लगातार वो 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे थे काफी लंबे वक्त से। तो इन दोनों ही छात्रों के लिए क्या जानकारी देंगे और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बैठक में परीक्षाएं रद्द किए जाने को लेकर और क्या कुछ कहा गया है, क्या जानकारी देंगे आप हिमांशु? देखिए बिल्कुल, दोनों बच्चों ने तैयारी भी की है और बच्चे चाहते भी थे एग्जाम हो, क्योंकि जो 12वीं के रिजल्ट होते हैं उससे उनका भविष्य के लिए जो कदम है चित्रा वो तय होते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना, वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस साइड से। लेकिन जिस तरीके का हालात हैं उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस बैठक के अंदर जो है वो ये फैसला लिया कि बच्चे जो इस वक्त है बच्चों की, उनके परिजनों की और साथ ही साथ शिक्षकों की चिंता होनी चाहिए, और उनकी चिंताओं को समझते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, स्वास्थ्य कारण हो सकते थे, किसी बच्चे को अगर कोविड हो जाए तो ऐसे में हालात जो है बच्चे के लिए आगे के एग्जाम देने लायक नहीं रहते, उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो फैसला लिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात यह कही है कि समय जो समय है आने वाले समय पर वो बताएंगे कि किस तरीके से इन बच्चों के भविष्य को लेकर क्या सरकार की प्लानिंग है और किस तरीके से सरकार आगे कदम लेगी। ये थोड़े ये कह सकते हैं कि आने वाले एक या दो हफ्ते के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि सरकार ने इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है, किस बच्चों के जो नतीजे हैं उस पर सरकार क्या सोच रही है और किस तरीके की प्लानिंग है, क्योंकि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, एक साल खराब नहीं होगा, इसको जरूर सरकार ने सोचा है। और सभी स्टेट से कंसर्न करने के बाद, सभी स्टेट्स का फीडबैक लेने के बाद जीएम ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के सामने रखी और आज ये बैठक हुई है, उसमें बड़ा फैसला कि जो है एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन ये सत्य है बच्चों ने पिछले एक साल के अंदर बहुत सी तैयारियां की हैं, बच्चे चाहते थे उनके एग्जाम हो और वो चाहते थे कि उनके रिजल्ट अच्छे आए जिससे वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन अब ये देखना होगा सरकार इन बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरीके से आगे की प्लानिंग करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए चित्रा सरकार ने यह फैसला लिया है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं किए जाएंगे, और ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि दूसरी वेव में जिस तरीके के हालात देखने को मिले उसको देखते हुए सरकार ने अपनी चिंता जो है वो जाहिर भी की। और पेरेंट्स भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था, और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है, पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे आगे के लिए भी करते रहें। सर एक सवाल ये कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाह रहे थे और सबसे मेन ये है कि अब इनको आगे एडमिशन्स कैसे मिलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत टाइम समाप्त। हमने जो प्रस्ताव दिया है अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और अभी पिछले एक साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं दी हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दिए हैं, 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दी है, मिड टर्म्स दिए हैं, उन सब में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसका आकलन करें। तो परफॉर्मेंस के आधार पर आकलन किया जाएगा, लेकिन परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीएसई 12वीं बोर्ड को लेकर यह निकलकर सामने आई है। आगे क्या?